हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बाहुबली एक्टर प्रभास की फिल्म साहू का लोगों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। ये फिल्म पहले ही कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है, तो लोगों को इस वजह से भी फिल्म से काफी उम्मीदें थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जिन लोगों ने एक्साइटमेंट के साथ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ट्विटर पर कुछ इस तरह शेयर किया है। चलिए पहले आपको दिखाते हैं लोगों के रिएक्शन। थिएटर ओनर्स टू ऑडियंस, इन इंटरवल ऑफ साहू आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। द ऑडियंस इनसाइड द हॉल, 500 एक्स्ट्रा ले ले पर मूवी बंद करवा दे यार। यूट्यूबर्स, साहू इज एन अमेजिंग एंड टोटली मास्टरपीस मूवी विद द बिगेस्ट बजट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम। मी आफ्टर वॉचिंग साहू, दोज बास्टर्स लाइड टू मी। द रियल रीजन कटप्पा किल्ड बाहुबली वॉज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग साहू। श्रद्धा कपूर टू ऑडियंस, तो थोड़ी देर और ठहर जा। तो दोस्तों, देखा आपने, लोगों को साहू देखना कितना भारी पड़ गया है। तभी तो लोग अपना गुस्सा ट्विटर पर मीम्स शेयर कर जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले ट्रेड एक्सपर्ट तरुण आदर्श ने भी फिल्म को हाफ रेटिंग दी थी और फिल्म को अनबियरेबल बताया था। बताते चलें कि प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहू बड़ी बजट वाली फिल्मों में से एक है, जिसे कुल 350 करोड़ रुपये में बनाया गया है। सुजीत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में इन दोनों के अलावा नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ, एवलिन शर्मा, चंकी पांडे, महेश मांजरेकर और मंदिरा बेदी जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए हैं। वैसे आपने अगर फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। भूषण जी और अनिल जी, हालांकि 30th को आप लोगों के पास कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, फिर भी कितने थिएटर्स में आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि इंडियन ऑडियंस जो यूपी बिहार के लोग भी इसको देखना चाहते हैं, साहू को हिंदी बेल्ट। सो इट विल बी वन ऑफ द वाइडेस्ट रिलीजेस, बहुत वाइड जाएगी। कुछ आंकड़े, अराउंड 4,500, ये बहुत लैंग्वेजेस में रिलीज। दिस इज ओनली इन नॉर्थ इंडिया, साउथ विल बी सेपरेट, सो दैट ओनली आई थिंक द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द साउथ कैन से। Practically in all the screens, actually, if you say in northern India, in all the screens we'll be putting this film. Shraddha, आपने बागी के समय हमें कहा था कि आपको वो एक्शन नहीं करने मिले टाइगर के रहते जो आप करना चाहती थी, तो इस फिल्म में आपकी वो ख्वाहिश पूरी हुई? जितना आई थिंक स्क्रिप्ट का डिमांड था और जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, एंड आई थिंक कि मैं बहुत ही आई एम इन वेरी गुड हैंड्स एज यू सॉ द ट्रेलर। So, no matter what happens, they will make me look good. So, I'm happy about that. Prabhas Garu, welcome to Mumbai. Ikkade, ikkade undi. Prabhas Garu, welcome to Mumbai. Meeru character yemendi? What is your character? Yeah, we showed him as a police, so he saw it right. Yeah. So... Yes, can you ask in English? Yeah, my character is like, he's a police officer, but you know, the situations and all turn into different ways, so you need to watch the film after that. Okay, have you dubbed it in Hindi or somebody dubbing on your face? No, that's my voice there. Okay. Was it difficult? Yeah, like... To speak Hindi certain words? Yeah, I can words? Read and write Hindi, but we don't speak at home, so it was a little difficult, but yeah, I managed. Okay. Prabhas sir, here. Yeah. Hi. Congratulations to you and the whole team. Thank you, sir. Welcome to Bollywood. Thank you, sir. My question to you, sir, when we saw the teaser, it was like it's touted as the biggest thriller, and now we got to know why it is called the biggest thriller. What do you want to say about this film? Because not only as an artist, what do you want to say about it? Because this is your next film right after Bahubali, and you have spent your 5 years into one film, living one character, and now stepping into another huge world. Yeah. So overall, what was the experience? Please tell us about it. Yeah, coming out of Bahubali was not easy. It was a little difficult. But even this film, we took 2 years. I think my fans are going to kill me for that. But, you know, yeah, Sujit designed this film in... this film is mostly on the screenplay based, so... there are like a lot of twists and turns. It's very interesting the way he wrote the script.
So it's interesting for me. Hope the audience say that they like the character. Definitely they will. Shraddha, my question to you. Mera aapse yahi pe. Yeah. Shraddha, is saal aapki teen filmen aa jayengi with Chichore, Street Dancer and Sawan. You have shot back to back, if I'm not wrong, for this, for these three, right? So how do you used to manage? Matlab ek film mein aapko dance karna hai out and out. It's a romantic thriller. Ek mein action hai. So what do you want to say about it? मैं बस ये कहूँगी कि बहुत मेरी बॉडी बहुत दुख रही है बहुत ही और बहुत फिजिकली इंटेंस साल रहा है और स्ट्रीट डांसर एक्चुअली अगले साल रिलीज़ हो रही है सो आई हैव सॉरी यस यस वी शॉट इट एंड तो ऐसा आई मीन फील हो रहा है कि थोड़ा सा आराम मिले पर अभी प्रमोशंस भी शुरू हो गए बट आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज बहुत ही बड़ी बात है कि आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अमेजिंग मूवीज एंड दिस इज़ माई फर्स्ट मल्टीलिंगुअल फिल्म साहो एंड आई थिंक दैट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर वर्ल्ड साहो डे ऑन द 30th. मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर से है. मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर से है कि जिस उम्र में असिस्टेंट बनते हैं उस उम्र में सुजीत डायरेक्टर बन गए फिल्म के, तो किस तरह से कैसे विश्वास किया उन पर इतनी बड़ी फिल्म ये झेल पाएंगे बना पाएंगे? द बिग फिल्म इज नॉट अबाउट द बिग नेम बट द टाइम ही हैज स्पेंड फॉर द फिल्म दैट मेड द फिल्म बिग. I think he has dedicated 4 years of his time and paid it. Good evening, everyone. Hello. This side, yeah. Good evening, everyone. This is Shubhajit from IWM Buzz. Prabhasa, yes, and your left, sir. Yes, sir. Yeah. First of all, many, many congratulations for Bahubali. And my first question is to you, yeah. That, like, so, you know, everybody knows, knows that Bahubali was such a big hit. So do you think that Saho is going to follow up that? No, that's Bahubali is different. Made history, so this we just want to entertain this audience who watched Bahubali and my fans. We're just trying that there's nothing compared to Bahubali. Thank you. And Shraddha, the next question is to you that this film is releasing and the next film, that is Chichore, it's releasing in a week's time. So how do you look at the release pattern? I think the fact that both the movies are so different from each other and I got to be a part of both the films, I think lucky me that I get to come on the big screen in such a short duration. Yeah. Hi, Prabhas. This side. Oh, hi. Prabhas, iske action ki, Saho ke action ki bahut appreciation mil rahi hai. Yeah. And comparison ho raha hai Dhoom series ke action ke saath. What you have to say? No, I think this is very different because there's bike shots and all, you feel like that. But when you see the film, this is completely different film. It's different. That's a different film. Hello, this side, Prabhas and Shraddha, this side. Hi. Hi. First of all, fantabulous trailer. This is Jyoti from Movies Adda. सबसे पहले तो मैं जाना चाहूँगी श्रद्धा और प्रभास दोनों से ही कि क्योंकि आप लोगों ने मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में फिल्म को ऑफकोर्स आवाज़ भी दी है और एक्शन भी है जब सब कुछ है तो एक दूसरे को कोई टिप्स दे रहे थे आपने उनको हिंदी में हेल्प की और यू हैव हेल्प्ड हर इन द अदर लैंग्वेजेस. आई डिडंट हेल्प हर इन तेलुगु, शी वाज वेरी गुड बट इन हिंदी शी हेल्प्ड मी अ लॉट. सो हाउ वाज द होल माहौल कैसा रहता था सेट पे, बिहाइंड द सेट कैसा आपका एक्सपीरियंस था श्रद्धा प्रभास के साथ काम करने का एंड सेम फॉर यू? आई थिंक मैं जितना बोलूँ वो कम है. एक्चुअली द होल टीम यूवी क्रिएशंस व्हेन आई वाज इन हैदराबाद दे टुक मी एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली एंड वी शॉट दिस फिल्म विद इन 2 years. सो एवरी टाइम दैट आई वुड गो देयर हैदराबाद एक्चुअली बिकेम माई सेकेंड होम एंड मी एंड माई टीम वी वुड बी सो एक्साइटेड टू गो बैक टू हैदराबाद स्पेशली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ जिस तरह का प्यार इन्होंने हमें दिया है. वी फेल्ट लाइक वी वर एट होम, एब्सोल्युटली एट होम. And we were like, looking forward to going to set every day. And so much kindness, so much love, so much kindness from everyone. And of course, to work with Prabhas, I mean, I don't know where to start. He is, everyone knows he is, of course, he's a huge superstar. But he has the most amazing heart. So me and my team, we were just
like in awe of that. So yeah, we had a blast. Also, हमने आपके social media sites, जितने भी social media platforms हैं वहाँ पर देखा है कि you know आप हैदराबादी खाने को कितना ज़्यादा प्यार दे रही थी वहाँ पे. So उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि प्रभास क्या क्या you know उन्होंने किस किस dish से आपको introduce करवाया कि you know this is special or this like that. प्रभास and the whole team, UV Creations team, as I said कि बिल्कुल घर जैसा माहौल बन गया था. तो I think that everyone on the unit was so happy. Because you, if you feed people right, you know, right. You work better, you feel better to come to set. And the best food I have ever had was on this set. And apart from the food also, as I said, there's so much respect that all of us got on the sets. So that was very, very, very valuable.